बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तन्हाई अल्लाह के करीब करती है, लोगों के छोड़ जाने से घबराया ना करो। जब साथ कोई नहीं हो तो दिल खुद ही अल्लाह की तरफ रुजू करने लगता है। हम खुद ही अपनी बातें अल्लाह से शेयर करने लगते हैं। वो आंसू जो दिन भर रोक कर रखे होते हैं, रात को तहज्जुद के वक्त अल्लाह को अपनी कहानी सुनाते वक्त खुद ही बहने लगते हैं। इसलिए खुद को तन्हा महसूस मत किया करो। अल्लाह है ना, वही तुम्हारा तन्हाई का सुकून है। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो उसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। तहज्जुद इतनी कीमती है, अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। ला हासिल ख्वाहिशें, अधूरे किस्से, नामुकम्मल ख्वाब, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। जब बात तहज्जुद की दुआओं पे आती है, दुआओं में बहुत ताकत होती है, और जब तुम सच्चे दिल से अल्लाह से मांगते हो तो वो कभी तुम्हें मायूसी नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा रब बहुत बाइज्जत है और उसको हया आती है। तुम्हें खाली हाथ वापस लौटाते हुए जब तुम उससे रहम मानते हो, आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आजमाइश के साथ आसानी पहले ही लिख दी गई है, यकीन रखिए इस पर। जो मुश्किलों में डाल सकता है वो निकाल भी सकता है, कि जो काम आपके बस में नहीं वो उसी के अख्तियार में है। अल्लाह ताला तुम्हारी हर आह से बाखबर है। जब तुम सिसकियाँ लेते हुए थर थराते हुए होठों से उसका नाम बेसाख्ता पुकारते हो, वो तुम्हारी हर शिद्दत से वाकिफ है। जो तुम नींद से खाली रातों में जाए नमाज से लिपट कर रो दिया करते हो, अल्लाह ताला को सब मालूम है तुम्हारी उस बेबसी का। जब तकलीफ के मारे तुम्हारे हाथ दुआ के लिए उठ नहीं पाते थे, इसलिए अल्लाह से कभी भी ना उम्मीद ना हो और अपनी दुआओं पे पूरा यकीन रखें। अल्लाह सुन रहा है आपकी, वो एक ना एक दिन ज़रूर जवाब देगा। अगर आपको मेरी बात समझ आए तो इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में दुआओं में याद रखिए।